Welcome to Mukku Worldwide, and this is your education consultant Ashish Mukku. So today we are going to discuss a university with a dynamic profile, jiska naam hai Al Farabi Kazakh National Medical University. Ye jo university hai, ye aapka locate karta hai bilkul center of jise keh sakte hain Almaty. Matlab it's a city inside a city. मतलब इसका कैंपस स्टार्ट होता है एक हमारा रोड है जिसका नाम सतपाइवा है. सतपाइवा से लेके अगर आप जाएंगे पहाड़ों तक तो ये पूरा एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है. बट दिस यूनिवर्सिटी इज नॉट रिलेटेड टू एमबीबीएस ओनली. दे हैव अ लॉट ऑफ डिविजन्स. दे हैव स्पोर्ट डिविजन्स, दे हैव इंजीनियरिंग्स, दे हैव मैनेजमेंट कोर्सेज, दे हैव लैंग्वेज कोर्सेज. तो Al Farabi इस यूनिवर्सिटी का नाम क्यों है, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन. Al Farabi एक ऐसा जीनियस एक पर्सन थे कजाकिस्तान की हिस्ट्री में. ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज अ ट्रैवलर, ही वॉज अ स्कॉलर, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी उनकी लैंग्वेज में. एंड दिस कजाक कम्युनिटी इज वेरी प्राउड ऑफ दैट पर्सन. तो इन्हीं के नाम पे ये डेडिकेटेड है Al Farabi Kazakh National Medical University. This university is a government university and you can call it an NGO university also. Their main focus is to spread their university in every part of world. मतलब ये हर दुनिया के कोने में अपना university डालना चाहते हैं. They have opened a new, university with the same name in Bishkek in Kyrgyzstan also. So this university has started the international admissions in medicine from 2018 only. मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं इसके जो मैं पहले गया था. मैं आई हैव विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी एंड विद अ डायनेमिक प्रोफाइल. तो मैं आपको इस साइड या इस साइड अपने वीडियो पे आई विल सेंड यू द लिंक्स, आप वो देख सकते हैं. और इस यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर्स हैं, नो डाउट आई हैव मेट देम पर्सनली. आई हैव मेट द डीन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. आई हैव मेट द रेक्टर साहब ऑल्सो. सो दिस यूनिवर्सिटी इज बेसिकली फोकस्ड to get their students more knowledge, to get their students more finance. मतलब जो भी मतलब कंट्री का बड़ा फाइनेंस का पैकेज आता है वो पहले इस यूनिवर्सिटी को हिट करता है और कजाक नेशनल को हिट करता है. बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी इज द प्राइड ऑफ यू नो कजाकिस्तान. बिकॉज द QS रैंकिंग, द क्वालिटी स्टैंडर्ड रैंकिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर वॉज 164 एंड दिस ईयर इट इज अबाउट 150. तो इस यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चा जा रहा है, जो भी प्रोफेसर्स अभी पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको बोला मैं उनसे मिला हूँ. एंड दीज प्रोफेसर्स बिलीव मी दे आर ऑल द PhD होल्डर्स एंड विद एवरीबडी हैज क्लियर्ड हिज यू नो IELTS और TOEFL. एंड देयर इज अ एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन आई थिंक UK और इनका अपना एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें टीचर जाते हैं वहाँ का अपना नॉलेज लेके फिर अपने स्टूडेंट्स जो हैं आपके क्या कहते हैं इंडियन स्टूडेंट्स इंटरनेशनल वेदर इट इज लोकल्स वो वहाँ पढ़ाते हैं. तो ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके स्टूडेंट्स ने इवन ओलंपिक मेडल्स भी जीते हैं. यू कैन सी फ्रॉम माई वीडियोज, मैं आपको दोबारा बोला आई हैव द लिंक्स. तो अब इस यूनिवर्सिटी का इस साल का क्या फीस स्ट्रक्चर है, इस साल ये एडमिशन कैसे ले रहे हैं. तो द एडमिशंस इन Al Farabi आर ओपन. जो फीस है इस साल का वो है 22 लाख टेंगे. 22 लाख टेंगे जो है अगर हम इस टाइम की बात करते हैं दैट इज 4600 टू $4,800 वेरी करता है क्योंकि जो वहां का लोकल करेंसी है टेंगे दैट वॉज फ्यू मंथ्स बिफोर वो 430-435 का था, 435-432 का था, बट राइट नाउ इट इज 480. तो जो इस यूनिवर्सिटी में है दे डोंट हैव देयर ओन पर्सनल होस्टल, दे डोंट हैव एनी, दे कांट प्रोवाइड इट बिकॉज दे आर ओवरलोडेड विद द लोकल स्टूडेंट्स एंड ऑल द अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो होस्टल इस यूनिवर्सिटी में हमारा अपना है, वी विल प्रोवाइड इट एट अवर ओन कॉस्ट. तो जो भी कॉस्ट है उस होस्टल का दैट इज अबाउट $800. उसके बाद जब आप पहली बार कजाकिस्तान जाते हैं यू नीड सम डॉक्यूमेंट्स टू डू, जिसे बोलते हैं ट्रांसलेशन होता है. पहले इंडिया में एपोस्टाइल होता है, एपोस्टाइल के बाद आपका ट्रांसलेशन होता है. आपकी 2 सर्टिफिकेट्स का, एक आपका पासपोर्ट का होता है, एक आपका 12th की सर्टिफिकेट्स का होता है. उसके बाद आपका INN नंबर बनता है. INN नंबर के बाद आपका वहाँ क्या कहते हैं अटेस्टेशन होता है, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन होता है. ठीक है, तो बहुत सारा एक डॉक्यूमेंट है जिसका क्या कहते हैं कॉस्ट आता है लगभग अपना 20,000 रुपीज. उसके बाद आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल है वो आपका अलग से आता है. ठीक है ना, दैट विल कॉस्ट यू अबाउट $200 पर ईयर. ठीक है ना,
एंड आफ्टर दैट दे सेड, जब आपका एडमिशन हो जाता है, व्हेन यू गेट द एडमिशन लेटर, और इस यूनिवर्सिटी में यू शुड बी नीट क्वालिफाइड. मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स कि आप विदाउट नीट नहीं जाओ, ठीक है ना, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज आफ्टर कमिंग बैक, आफ्टर कंप्लीटिंग यूअर डिग्री एट योर होम टाउन, यू आर ओनली ए स्कूल पास, ठीक है, कोई फायदा नहीं है. तो वीजा जो है आपका 1 ईयर का दिया जाता है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर वीजा इज अबाउट $230-240 आपका जाएगा विद द एजेंट कॉस्ट एंड एवरीथिंग, क्योंकि $200 इज द सिंपल फी. तो इस साल ये डायनेमिकली यूनिवर्सिटी आपको दे रहा है अपना क्या कहते हैं एडमिशंस दे रहा है. ऑल द स्टूडेंट्स, वी आर द ऑफिशियल, मैं दोबारा आपको बोलता हूँ, वी आर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. तो जब आप हमारे को डॉक्यूमेंट देंगे, हम ही आपको यहां मिलेंगे और हम ही आपको वहां मिलेंगे. वी आर नॉट गोना गिव यू टू सम कंसल्टेंसी एंड दे विल टेक केयर ऑफ यू. वी आर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, एंड वी आर हैप्पी. एनी स्टूडेंट हु वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, वी आर हैप्पी टू सेंड यू द फीस स्ट्रक्चर्स, प्रोस्पेक्टस, और जो भी आपको वहां का पूछना है. इवन इफ यू नीड द इंट्रैक्शन विद द टीचर्स, आई कैन, आई हैव माय नंबर्स, आई हैव लॉट ऑफ पीपल देयर, मैं आपको उनके साथ इंट्रैक्ट कराऊंगा. हैप्पी कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिले जिसकी वजह से आप ये इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके. थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर.